पुरानी दिल्ली में लाल कुआं में हुए विवाद को लगभग 2 सप्ताह हो गए हैं और बहुत सारे लोग अब इस पर डिस्कस कर रहे हैं। 2 तरह के लोग बहुत डिस्कस कर रहे हैं, एक तो वो जिन्होंने दंगों पर रिपोर्टिंग की है, दूसरे वो जिनको दंगों पर या तो अध्ययन है या दंगे उनकी ज़िंदगी के नज़दीक से गुजरे हैं। इसकी वजह यह है कि जो कुछ भी पुरानी दिल्ली में हुआ था वो उसी तरह की एक घटना थी जिस तरह की घटनाएं जो है देश भर में इधर उधर कहीं भी होती रहती है, नॉर्मल घटना थी। लेकिन उस घटना के बाद जिस तरह का माहौल बनाया गया था और जिस तरह की स्ट्रेटजी तैयार दिख रही थी उससे ऐसा लग रहा था लगभग कि यहाँ पुरानी दिल्ली में दंगा हो सकता है। लेकिन इसलिए ये बात डिस्कशन की वजह बन गई है और ख़ासतौर पर बुद्धिजीवियों के डिस्कशन की वजह बन गई है कि हालत दंगे के बन जाने के बावजूद भी पुरानी दिल्ली में दंगा क्यों नहीं हुआ। जैसे हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिनके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि वहाँ दंगे का पूरा बेस तैयार था। पहली बात, वहाँ पार्किंग में झगड़ा हुआ था और झगड़े को सांप्रदायिक बता करके अफवाह फैलाई गई थी। ये कहा गया था कि जय श्री राम कहला करके एक मुस्लिम युवक को हिंदू समूह मार रहा है। ये बात झूठ थी लेकिन अफवाह थी और अफवाह का ही इस्तेमाल, बहुत सारे झूठ में अफवाह का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि NCR में इस बात की ज़्यादा चर्चा थी और NCR का जो क्षेत्र है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, नोएडा है, गाज़ियाबाद है या मेरठ है, तो ये जो बेल्ट है यहाँ पर दंगों में, प्रारंभिक दंगों में, पूर्व के दंगों में, जैसे मेरठ में हुआ या शामली में हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ, तो इस तरह के ही सर्कमस्टेंसेस यूज हुए। घटना कोई हुई उसका घटना को दूसरे तरीके से पेश किया गया, जैसे कवाल की घटना, पाकिस्तान की कोई वीडियो थी, कवाल की घटना बता करके उसको सर्कुलेट किया गया था। तो इस तरह से अफवाह का इस्तेमाल दिल्ली में भी हुआ जहाँ 2 गुटों के झुकड़ों को ये बताया गया कि हिंदू बहुल लोग एक अकेले एक मुसलमान लड़के को पीट रहे हैं, जान से मार दे रहे हैं, उस पर जबरदस्ती कर रहे हैं कि वो जय श्री राम कहे, जबकि ऐसा नहीं था। दूसरी बात, दूसरा और दंगे का इसमें सर्कमस्टेंसेस नया पैदा था बेस, और वो बेस था कि इसके बाद भीड़ इकट्ठा हुई। किसी भी घटना के बाद में जब भीड़ इकट्ठा होती है तो सबसे खतरनाक बात होती है। अफवाह फैली, भीड़ इकट्ठा हुई और भीड़ ने फिर बवाल किया, यानी तीसरी स्टेज भी थी, और तीसरी स्टेज ये थी बवाल किया और बहुत सेंसिटिव यानी बहुत संवेदनशील, बेहद शर्मनाक हरकत करते हुए भीड़ के समूह के कुछ लोगों ने मंदिर पर पथराव किया। मंदिर और मस्जिद एक जैसी बात है, अगर वो मस्जिद पर भी पथराव होता और दूसरी भीड़ होती तो दंगे की सिचुएशन तब भी बनती। यहाँ मंदिर भी उतना ही सम्मान है, मंदिर का भी उतना ही सम्मान है जितना मस्जिद का, मतलब मकसद बस ये है कि बवाल हो सकता था, दंगा हो सकता था। तीसरा स्टेज ये था कि उसके बाद अफवाह फैली, वो पहली अफवाह, दूसरी अफवाह, तीसरी अफवाह, उसके बाद फिर अफवाह फैली और बहुत बड़े नेटवर्क पर अफवाह फैली और बाहर के लोग वहाँ पहुँचने शुरू हो गए। वो किसी भी संगठन के थे, इसमें तो ये डिस्कस का मैटर नहीं किस संगठन के थे, लेकिन बाहरी लोग वहाँ आए, ये इशू था। इसके बाद अब इतना सब कुछ हुआ और उसके बाद शोभा यात्रा आई। अमूमन इस तरह के मामले में आप देख लीजिए कि जहाँ भीड़ इकट्ठा हो, अफवाह हो और शोभा यात्रा हो तो और सेंसिटिव बन जाता है। आप अफसरों से बात करेंगे, ऐसे लोगों से बात करेंगे जिन्होंने दंगों में काम किया है, या ऐसे पत्रकारों से बात करें जिन्होंने दंगों में रिपोर्टिंग की है, तो वो एकदम से कहेंगे कि आप बिल्कुल एकदम बेस कंप्लीट तैयार हो चुका है, इसके बाद दंगा होना लाजिम था, लेकिन उसके बाद भी दंगा नहीं हुआ। तो ये हैरत की बात बन गई है उन पत्रकारों के लिए, उन बुद्धिजीवियों के लिए या उन लोगों के लिए जो दंगे को जिन्होंने नज़दीक से देखा है, क्यों नहीं हुआ। तो पहली बात तो मैं ये कह देता हूँ कि दिल्ली के, पुरानी दिल्ली के उन हिंदू मुस्लिम लोगों को सलाम, उन्होंने एक मॉड्यूल पेश किया देश के सामने और वो मॉड्यूल ये था कि कितनी भी खराब परिस्थिति हो और कितनी भी हाई प्रोफाइल बेस तैयार हो, कैसी भी कंडीशन खराब क्यों ना हो जाए, दिलों में कितनी फ़र्क डालने की कोशिश क्यों ना हो जाए, लेकिन दंगे को रोका जा सकता है, साजिशें नाकामयाब हो सकती हैं। और किन कैसे कैसे उन्होंने काम किया, किस किस बेसिस पे उन्होंने काम किया, ये सब हम जाने हैं खुद पुरानी दिल्ली जा करके उन लोगों से बात करके। तो कैसे कैसे उन्होंने काम किया वो मैं आपको बताता हूँ। पहली पोजीशन थी अफवाह, अफवाह फैली कि जय श्री राम कहने पर, ना कहने पर एक मुस्लिम लड़के को मारा जा रहा है। तो कुछ बुजुर्ग लोगों ने, चूंकि वहाँ वो एडवांस से पढ़े लिखे हैं, इसका रियलिटी चेक किया कि क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है, और रियलिटी चेक करने पर जब ये पता चला कि ये तो अफवाह है। दूसरी स्थिति थी मंदिर पर पथराव की, अब इसका भी रियलिटी चेक हुआ कि क्या ये लोग आइडेंटिफिकेशन है, क्या लोकल के लोग हैं, तो वे लोग लोकल के नहीं दिखाई दे रहे थे बाद में भी बात। तीसरा जो पोजीशन थी वो ये थी कि शोभा यात्रा, तो जैसे ही शोभा यात्रा निकल रही थी, तो शोभा यात्रा जब निकल रही थी तो आपने नोटिस किया होगा कि शोभा यात्रा जब निकल रही थी तो मुसलमान लोग जो थे वो, कुछ लोगों का ये था कि मुसलमान शोभा यात्रा निकलेगी तो बदतमीजी
कुछ लड़के उनके करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग जो है वो जहालत करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि शोभा यात्रा को जो है वो पथराव हो जाए या कुछ भी, मतलब कोई भी इशू क्रिएट हो सकता था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। बेहद आश्चर्यजनक तरीके से मुसलमानों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया, उनके लिए हलवा पूरी बनवाई, उनके लिए सब्जियां तैयार की, और ऐसे मुसलमान नहीं थे कि उनकी आइडेंटिफिकेशन मुसलमान वाले ना हो, मुसलमान ऐसे थे जो धड़ी टोपी वाले मुसलमान थे जिनकी आइडेंटिफिकेशन थी कि ये मुसलमान है। इसके बाद एक बहुत बड़ा क्लिक इसमें था बीच में, मैं बता दूं कि वो पहला प्रयास था और वो बहुत शानदार प्रयास था। फतेहपुरी मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुकर्रम ने ये कहा था कि मंदिर को जो नुकसान पहुंचा है वो बेहद शर्मनाक है, मंदिर और मस्जिद दोनों एक जैसी बात है, दोनों इबादत की जगह है, और जो नुकसान पहुंचा है जिसने भी वो पहुंचाया है उसके लिए हमें शर्मिंदगी है और हम उसका ठीक कराने की कोशिश खुद करेंगे। इस बात ने बहुत अच्छा क्लिक किया था। और जो हिंदू समाज के जिम्मेदार लोग थे वो मुसलमानों के साथ गली गली मोहल्ले मोहल्ले निकल गए समझाते हुए। पहली बात तो ये थी कि दिल्ली के लोगों ने अफवाह को क्रैक किया, खुद रियलिटी चेक की। और दूसरी बात ये थी इम्पोर्टेंट, रियलिटी चेक करने के अलावा दूसरी बेहद इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये लोग पब्लिक में गए। तीसरी बात ये थी कि इन्होंने खुद पहल की, यानी अपनी गलती स्वीकार की, वो नहीं दिखाया, और बाहरी लोगों को नियंत्रण नहीं होने दिया। जैसे वहाँ बता रहे थे कि बड़ी संख्या में आसपास के दिल्ली के 5-10 हज़ार लोग बाहरी थे जो पुरानी दिल्ली के नहीं थे वहाँ पहुँचने लगे थे, और वो किसी ना चाहे वो ये इशू नहीं है कि वे बाहरी लोग जो हैं मुसलमान थे या हिंदू थे, इशू ये है कि वे बाहरी लोग थे, आप उन्हें दंगा कराने वाले समूह भी कह सकते हैं, तो उनका कंट्रोल ख़त्म कर दिया। तो ये दिल्ली की खूबी थी। अमूमन मुजफ्फरनगर में ये हुआ था, सहारनपुर में ये हुआ था, शामली में ये हुआ था, मेरठ में ये हुआ था, और कहाँ जहाँ जहाँ भी इस तरह का माहौल ख़राब हुआ, अमरोहा में कासगंज में भी ये हो रहा था, तो जहाँ जहाँ भी इस तरह का माहौल ख़राब हुआ, अलीगढ़ में भी ये हो रहा था, अभी कुछ दिन पहले NCR के बेल्ट आप देख लें तो नोएडा में भी इसकी संभावना थी, तो ऐसा सब हो रहा था। तो इसका मतलब ये था कि दिल्ली के लोगों ने बेहद साफ गोई से, बेहद बुद्धिमत्ता से, कैपिटल के चूंकि राजधानी के लोग थे तो राजा जैसा ही उन्होंने अपना नमूना पेश किया, और बढ़िया मॉड्यूल उन्होंने कायम किया और दंगे को निष्फल कर दिया। तो दिल्ली से जो मॉड्यूल आया कि एक बेस भी अगर बन जाए किसी दंगे का तो तब भी उसे दंगे को होने से रोका जा सकता है, जिम्मेदार अगर लोग हों तो इस मॉड्यूल को हमें लगता है कि पूरे देश में जहाँ कहीं भी दंगा का माहौल बन रहा हो वहाँ लोग अगर इसको मॉड्यूल को एप्लीकेट करेंगे, इसे अपनाने की कोशिश करेंगे तो कहीं भी दंगे को होने से रोका जा सकता है, कहीं भी प्रायोजित दंगे को होने से भी रोका जा सकता है। 2circle.net के लिए मैं आसमान।